अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी तुबा वकार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम टी आर्ट फ्यूजन। सो टुडे आई एम मेकिंग चपली कबाब एंड हियर इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपली कबाब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 2 kgs ऑफ बीफ मिंस। अच्छी तरह से हमें चॉप हुआ हुआ गाय का कीमा लेना है। उसके बाद हमें तकरीबन 1 कप बेसन लेना है, जो कि हमने एक पैन में डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। उसके बाद हमने तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लेनी है, जिनको अच्छी तरह से चॉप करके उनका पानी निकाल लेना है। उसके बाद हमें 2 अंडे, 10 से 12 हरी मिर्चें अच्छी तरह चॉप करके ले लेनी है, 1 से 1.5 टमाटर ले लेना है चॉप करके अच्छी तरह, और धनिया है हमारे पास अच्छी तरह साफ़ करके और उसको चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें अनार दाना लेना है, जो कि हमारे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। उसके बाद ये हमारे पास एक मिक्सचर है, इसके अंदर हमारे पास सूखा धनिया है और ज़ीरा है साबुत, जिसको हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। बस इतना ही करना है कि उसके अंदर से अच्छी तरह एक खुशबू आ जाए और वो थोड़ा सा पक जाए, और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना। और ये हमने तक और इसको हमने भून के हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया था, और बहुत ज़्यादा पे इसको नहीं पीसा, लेकिन हल्का हल्का सा। उसके बाद हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो कि 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट है और 1 चम्मच जिंजर पेस्ट। ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। इसमें हमारे पास 1 चम्मच क्रश चिली है यानी दादर मिर्च। उसके बाद काली मिर्च है, जो कि 1 चाय का चम्मच है। उसके बाद हमारे पास गरम मसाला है, जो कि 1 खाने का चम्मच है। और उसके बाद हमारे नमक हसबे जायका या 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया था, और 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच मिर्चें, वो भी हसबे जायका, और सूखा धनिया पिसा हुआ, वो भी 1 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसकी अच्छी सी शेप बना लेनी है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करनी है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी अलग-अलग ना हो, इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है।